यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल, यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं, यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। ओपन द केस। उस केस में तुम्हें दो वायस अपने से ज्यादा जीते हुए देखे, तुम्हें साथ में निकालने उस सोच में से। अगर मेरा मकसद भी पूरा नहीं हुआ ना, तो मकसद तुम्हारा भी पूरा नहीं होगा। पकड़ नहीं पाओगे मुझे। एवरीवन प्लीज बैक ऑफ। कोई गोली नहीं चलाएगा, मुझे आदमी जिंदा चाहिए। मेजर आर्यन, आपने और आपकी टीम ने तो झंडे गाड़ दिए और चकदे फटे। मनाओ जितना नश मनाना है तुम सबको, क्योंकि कुछ देर बाद यह मातम छाएगा। कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां से कोई लाश नहीं उठेगी। द्वार घाट लाशों का घाट बनेगा। शूटर हमारे बीच में ही मौजूद है। एवरीबॉडी स्टे देयर। ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है। डॉक्टर ज्योति, मैंने कहा नोबडी मूव्स। अरे पर वो जिंदा है, हम उसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। उसे अभी के अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, और वैसे भी आप इसे जिंदा पकड़ना चाहते थे ना। तब की सिचुएशन कुछ और थी, अब सिचुएशन अलग है। कोई मेडिकल किट ला जल्दी। स्टॉप। रुक जाओ, डोंट मूव। डैम, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से वो शूटर भाग निकलेगा। तो आप उसके पीछे भागिए ना, किसने रोका है आपको? आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रही हूँ। रुको, अगर ये जिंदा है तो मुझे इसे कुछ सवाल पूछने हैं। करना, बॉटल दे। डॉक्टर ज्योति, आपने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने सुना, पर क्या आप अपने आप को सुन रहे हैं? शायद नहीं, पर अपनी आंखों से देख तो रहे ना इसकी हालत। जल्दी उठाओ। रुको, आउट, आउट, पहले नीचे। आप देख नहीं रहे इसकी हालत नाजुक है। हालात भी नाजुक है डॉक्टर, तुम जानते हो अगर दो मिनट की भी चूक होती तो यहाँ क्या होता। पर चूक हुई तो नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी बात मानी, आपको अपना काम करने दिया, फिर आप मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने दे रहे? प्लीज इधर आइए, प्लीज मेरी हेल्प करिए। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा, जब तक ये आतंकी अपने इरादा नहीं बदल देता तब तक कोई नहीं हिलेगा। ऑफिसर्स प्लीज, इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये ऐसे हालत में है, ये कुछ नहीं बोल पाएगा। ये हो सकता है कुछ ही मिनटों में इसकी जान चली जाए,
प्लीज देरी मत कीजिए और एम्बुलेंस में बैठिए। एक्सक्यूज मी, ये लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। और आप उसी की तड़ी दिखाते हैं, दिखता है आपके लिए किसी की जान की उसकी कीमत? जान की कीमत मेरे लिए सिर्फ तब तक थी जब तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता था। उसके बाद अगर ये जिंदा रहे ना तो मैं खुद इसकी लाश गिराऊंगा। यही शपथ ली है मैंने अपने भारत माँ के दुश्मनों को मार गिराने की। मैं भी इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर आपने भारत माँ का नाम लिया ना तो एक माँ की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? ममता। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये टेररिस्ट नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि इस वक्त इसकी जान बचाना आपके इंटरोगेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो इंसानियत रखिए मेजर, जो मुझे लग नहीं रहा है आप में है। मेजर आर्यन ने अपनी इंसानियत का प्रूफ कई बार दिया है। ये और बात है सर, वो कभी किसी को बताते नहीं फिरते। कैप्टन मेहरा, हम सोल्जर्स हैं, सोशल वर्कर नहीं, सो प्लीज फोकस और इस आतंकी को उठाने मेरी हेल्प करो। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं मेजर, बट आई थिंक यहाँ पर डॉक्टर ज्योति गलत नहीं कह रही है। ये हमें अभी कोई भी इंटेल देने की हालत में नहीं है, और अगर इंटेरोगेशन के बीच इसकी डेथ हो गई तो इंक्वायरी बैठाई जाएगी सर। सर फालतू में आर्मी का टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर हम इसकी रिकवरी के लिए वेट कर लेते हैं। बेटा जी, आज शिव जी की कृपा से और आपके टीम की सूझबूझ से बहुत बड़ा खतरा टल गया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब कहाँ गए सर? वेल डन कैप्टन, मुझे पूरे डिटेल्स चाहिए। सर जैसे ही हमें कोडवर्ड में लोगों के होस्टेज बनने की इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी टीम फौरन मौके पर पहुंच गई थी। वरुण जी ने कहा था ना कि मेजर आर्यन जय को कुछ नहीं होने देंगे, और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे लगता है कि हमें ना उन्हें जाके थैंक यू बोलना चाहिए। क्या हूँ, जब मेजर से बहस करनी थी तब तो तुम्हारी जुबान तुम्हारे स्कूटी से भी तेज चल रही थी, और अब थैंक यू बोलने की बारी आई है तो अरे आप मुझे डांट रहे हो, वो भी उस सड़ू के लिए। सड़ू जो तुम कैसे वर्ड्स यूज कर रही हो उसके लिए। आज उस बेचारे ने अपनी जान खतरे में डाल के हम सबकी जान बचाई है। हाँ, क्योंकि मैं उसके साथ थी। गुड लक चाम। और आप ना उन्हें ज्यादा डिफेंड मत किया करो, आपको ना पता नहीं है वो कैसे हैं। खाला की जो जलेबी है ना उससे भी टेढ़ा है वो आदमी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सर। मेजर आर्यन एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी थी। इट्स ओके सर, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू? वो भी मैं आपसे? आपको पता है आपकी वजह से आज मेरा छोटा बेटा अपनी जान से हाथ धोने वाला था, और मैं आपको शुक्रिया कहूंगा। मेजर आर्यन, भले ही आप दुनिया की नजरों में एक हीरो हो गए हो आज, भले ही ब्रिगेडियर मेहरा ने इस मिशन की कामयाबी पर आपकी पीठ थपथपाई हो, लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई हो, लेकिन आप आज भी मेरे लिए वही इंसान है जिसने उसके बेटे को मौत के मुंह पर ढकेला। वो तो मेरे बेटे की किस्मत अच्छी थी, लोगों की दुआओं का असर था, या ऊपर वाले को मेरी बद्दुआ से डर लगता था कि उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना नहीं, बख्श दिया उसने। वरना कसम से अगर ऐसा हुआ होता तो मेरी आह लगती है आपको, बद्दुआ लगती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस इंसान ने आपके बच्चे की जान बचाई, इतने सारे मासूमों की जान बचाई, जिसके लिए पूरा द्वारा घाट आज लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा है, आप उसे बद्दुआएं दे रहे हैं? मेजर साहब, इनकी कड़वी बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज आपने जो मेरे परिवार के लिए किया ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काश जिस तरह आज आप मेरे जय के लिए यहाँ थे, वैसे ही कोई मेरे कपिल के लिए वहां होता तो आज वो हमारे बीच आता। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे
रोना नहीं चाहिए था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं मेजर साहब। भगवान आपको लंबी उम्र दे। हाँ, शौक से देते, लेकिन अपने भगवान से जरा कहना कि अपनी लंबी उम्र के बीच में कहीं दूसरों के बच्चों की उम्र कम ना कर दे। आप फिर से ऐसी बातें करने लगे, चलिए यहाँ से, चलिए कुछ भी बोलते, चलिए कुछ सोचते नहीं और बोलते रहते, चलिए। लो जी, लो खाओ, खाओ समोसे खाओ, ले जी आप भी लो जी। राजी, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तू तो कंजूस नंबर एक, तो फिर आज ये मफत में समोसे चटनी काहे खिला रहे हो भाई? अरे भाई, हो भी क्यों नहीं यार, हमारे द्वारे घाट से इतना बड़ा खतरा जो टल गया है, और अपने फौजियों पर हमें गर्व तो होना ही चाहिए ना। खाओ खाओ समोसे खाओ। बहुत बहुत उम्दा सोच है आपकी। अरे सोच तो भाई साहब ये है कि इनकी वजह से आज का मिशन सक्सेसफुल हुआ है। और नहीं तो क्या, मैंने ही तो मेजर आर्यन को गाइड किया था कि अंदर कैसे जाना है, आतंकवादी कहाँ छुपा होगा और कैसे उनको मारना है। अब समझा, हम लोगों को समोसा खिला के फोकट का क्रेडिट लेने का है आपको। अब्दुल भाई, अरे भाई आपको क्या हो गया है? उस आतंकवादी की बात जो उसने गोली खाने से पहले बोली थी। ओ यार छाड़ यार, उस आतंकवादी खोते थे पुत्र नू, आतंकवादियों का काम की हुंदा है यार और दहशत फैलाना, है ना? हमारे द्वारा घाट की सुरक्षा मेजर आर्यन और वरुण के फौलादी हाथों में है, तो फिर किसी की क्या मजाल जो कि मुफ्त की समोसे और चटनी खा जाए। सही बात है, सही बात है, खाओ खाओ, सही बात है यार। पापा, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हो, लेकिन बैठ, आप मुझे डांटोगे तो नहीं? चल इधर आ, इधर आ, बैठ, इधर बैठ। दिखा इधर, बस 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 बस, हो गया ना? फाइन, दर्द कम हुआ? हाँ, अच्छा है। क्या है ये? 15 जड़ी बूटियों से बना हुआ लेप है ये। मैं तुम्हारी दी की तरह डॉक्टर तो हूं नहीं, फौज में सूबेदार था, लेकिन वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। और किधर है? हाँ, आपको पता है पापा, आज मैंने एक लाइव बॉम्ब डिफ्यूज किया, वो भी मेजर आर्यन की मदद से। वो वहां पे थे तो मुझे हिम्मत मिली, मेजर आर्यन वहां पे थे तो मुझे पता था कुछ गलत नहीं हो सकता। आज उनकी वजह से सारे बंधक अपने परिवार के साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूँ। पापा, आप प्लीज मेजर आर्यन को माफ कर दो ना, आज उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं जानता हूँ वो सख्त हैं, गुस्से वाले हैं, लेकिन वो गलत बिल्कुल नहीं है। देख जय, मैं जानता हूँ कि तुझे कपिल की तरह बनने की बहुत जल्दी है और इसलिए तू बस आंख बंद करके भाग रहा है, भागता ही जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे। पर बेटा ये भी तो सोच कि तेरे पीछे हम हैं, तेरे बूढ़े माँ बाप जो कपिल के जाने के बाद बस इसी आस पर जिंदा है कि हम तुझे अपने से ज्यादा जीते हुए देखें, हम तुझे अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होते हुए देखें। अपने एक बेटे को तो कम से कम हम अपने से ज्यादा जीते हुए देखें। मां प्लीज रोना बंद करो। जय समझ गया, वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। चलो। अच्छा सुनो, अब तो आराम कर, हाँ सो जा, सब ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
अंदर जाना है ना, हम चलेंगे, लेकिन तुम अंदर वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगा। चाहे वो डेटोनेटर लो और बॉम्ब डिफ्यूज करो, मैं जानता हूं तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन डर के आगे बढ़ के ही जीतते, इसमें बहादुरी होती है जो तुम में है, तुम्हारी खून में है जय। आज मैंने एक लाइव बॉम्ब डिफ्यूज किया, वो भी मेजर आर्यन की मदद से। मेजर आर्यन वहां पे थे तो मुझे पता था कुछ गलत नहीं हो सकता। वरुण जी ने कहा था ना कि मेजर आर्यन जय को कुछ नहीं होने देगी, और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ। जय सही सलामत घर वापस आ गया। मुझे लगता है कि हमें ना उन्हें जाके थैंक यू बोलना चाहिए। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? कर रही हूँ। सॉरी, वो मैं बस एक मिनट में अपनी बात कहूंगी और चली जाऊंगी। एक्चुअली क्या है, मैं इतने रात में आती भी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी कि तुम ये सोच रही थी कि मेरी हेल्प करके मैं तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल करवा दूंगा, तो तुम मेरा और तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मेरे जो माना आपके हाथ में बहुत कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपसे मिलने आता है वो आपकी मिन्नतें करने आता है। आप द्वारघाट में नए हैं, मैं नहीं। आपसे पहले भी मैंने अपने काम किए हैं और आगे भी करूंगी, उसके लिए मुझे आपसे या किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे, मैं आपसे फेवर मांगने नहीं आ रही थी, थैंक यू बोलने आई थी, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। पर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको एक नॉर्मल इंसान समझ लिया। सॉरी, थैंक यू, गुड डे, ऐसे वाला नॉर्मल इंसान जो आप किसी एंगल से नहीं है। द्वारघाट वाले पागल हैं जो आपको इतना महान समझते हैं। अगर आप इतने महान होते ना, तो अपने पपलियों को नहीं बिठाते मेरे घर के आगे, किराएदारों को भगाने और डराने ताकि आपको घर मिल जाए, यही चाहते हैं ना? ऋषभ और शिवेश ने सब कुछ बता दिया। आपके बारे में मेरी जो पहली राय थी ना, वही सही थी, और वो अब कभी नहीं बदलेगी। एंड सॉरी कि मैंने एक मिनट से ज्यादा का टाइम लिया आपका। नो, एक्चुअली आई एम नॉट सॉरी, बिकॉज यू आर नॉट सॉरी। मेरी टीचर बनते मते उस गरिमा के बच्चों की टीचर बन गई। यार मानसी, वो एक टीचर है और वो किसे सिखाएगी किसे नहीं है वो डिसाइड करेगी ना, और तो इतना चिढ़ क्यों रही है? तो क्या करूं, उसके बच्चों के लिए तालियां बजाऊं? बहुत अच्छे। गरिमा, गरिमा जी, क्या हुआ? यू ओके ना? बैठो, बैठिए, आराम से, आराम से। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आदु, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा एसिडिटी सा लग रहा है। रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो। मैं टेंशन कैसे ना लूँ? दो हफ्ते बाद तुम्हारी डिलीवरी है, और इस हफ्ते मेरी छुट्टियाँ भी खत्म हो रही ना आरबी की। तो पापा जी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और प्लीज ये मेरी पहली डिलीवरी नहीं है। पता है, आराम से बैठो। एक मिनट रुको। ये, हाँ ये, ये, आराम से। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। चलो बच्चों, अब मैं गाना गाऊंगी, फिर उसके सरगम सिखाऊंगी, ठीक है? चलो। हाय, कितना मीठा गाती हो तुम यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ जब वो हमारे बच्चे होंगे ना, तो कितने लकी होंगे तुम। रोज उन्हें अपनी सुरीली आवाज में ढेर सारी लोरियां सुनाकर सुलाओगे। आई विश कि काश मैं भी बच्चा बन जाऊं। बनना क्या है, वो तो आप पहले से ही है। क्या हुआ संध्या दीदी, आप रो क्यों रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, माफ कीजिएगा, क्या हम कल फिर से शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, श्योर। ये संध्या थी ना? हाँ, रो क्यों रही है? सौ
सर आपने बुलाया? कुछ काम था? कहिए ना। कह तो दूंगा लेकिन आजकल मेरे बिना कहीं तुम लोग दोनों काम करने लग गए हो। वो सर आपको हमारा किराएदार वाला कांड पता चल गया क्या? कोई शक? सॉरी सर, वो हमें लगा आप उस घर के लिए इतने उतावले हैं तो। उतावला होना और बावला होना फर्क होता है दोनों में। सॉरी सर। कोई भी काम करने का एक प्रोसेस, एक तरीका होता है, और वो फॉलो ना करके तुम लोगों ने सिर्फ मेरा नाम नहीं पूरी आर्मी का नाम खराब किया है। याद रखना, हम लोग यूनिफॉर्म में ना भी रहे तो भी हम आर्मी ऑफिसर्स हैं, हमेशा, हर दिन, हर सेकंड, समझे? सो डोंट माइंड सर, लेकिन इस तरह से बिना प्रोसीजर फॉलो किए जैक का रिक्रूटमेंट करना गलत नहीं है क्या? हाँ सर, आपके ऐसा करने से सबको लगेगा कि जो कैडेट्स पागलपन करते हैं मेजर आर्यन उन्हें अपने पलटन में शामिल कर लेते हैं। जैसा कि पहले आपने कैडेट्स जय को उसकी बहन की हरकत की वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो बाद में उसी को सिलेक्ट कर लिया। और अगर सिलेक्ट करना ही था तो फील्ड पे जब उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया तभी सिलेक्ट कर लेते? गलती कर दी सर। बिल्कुल नहीं, जय भले ही बहादुर है लेकिन बहादुरी और बेवकूफी के बीच का अंतर नहीं जानता वो। इसे ताकत कब लगानी और अकल कब, इसकी भी अकल नहीं है उसे। वो छुट्टे सांड देखे तुम लोगों ने, जो लाल कपड़ा देखते लेकिन उसके पीछे का खतरा नहीं देखते, ये लड़का भी कुछ ऐसा ही है। अगर वो बाहर रहा तो ऐसे ही खुद को बार बार खतरे में डालता रहेगा और अपने साथ साथ द्वारगार्ड के बाकी लोगों को भी। इसलिए मैंने उसे भर्ती करा ताकि उसका दिमाग ठीक कर सकूं, अपने हाथों से उसकी नकेल कस सकूं।